जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आप सबके लिए आज एक और नई औषधि लेकर के आया हूँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही कारगर और फायदेमंद साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी औषधि है लहसुन। तो आइए आज हम जानते हैं कि लहसुन के क्या क्या उपयोग हैं और हम कई यानी कि बहुत सारी बीमारियों से कैसे बच सकते हैं लहसुन का इस्तेमाल करके। लहसुन के कुछ बूंद को 2 चम्मच शहद के साथ 1 गिलास पानी के साथ नियमित इस्तेमाल से दमा रोगियों को बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लहसुन के 2 बूंद को शहद के साथ हर रोज लेते हैं तो दमा रोग हमारा गायब हो जाता है, यूं कह सकते हैं आप। इसके साथ साथ दोस्तों, लहसुन जो है वो नपुंसकता को दूर करता है। जी हाँ, अगर आप लहसुन का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो नपुंसकता गायब हो जाती है दोस्तों। इसकी 2-3 कलियां भी अगर आप हर रोज खाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। या सफेद प्याज, ये भी नपुंसकता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है दोस्तों। अगला, अनार के जूस में लहसुन के जूस के 20 बूंद मिलाकर सेवन करने से खांसी से निजात मिल जाती है दोस्तों। लहसुन के जूस को चेहरे पे लगाने से कील मुहासे खत्म हो जाते हैं और खास करके हमारा युवा वर्ग आज इस बात पे बहुत ध्यान देता है दोस्तों कि हमारा फेस यानी कि हमारी ब्यूटी मेंटेन रहे दोस्तों। लहसुन जूस के नियमित उपयोग से खून साफ रहता है और साथ ही खून के संचालन को सही रखता है। जी हाँ, लहसुन में इतना गुण होता है दोस्तों कि अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका जूस पीते हैं आप, तो आपका ब्लड साफ रहेगा, प्यूरिफाइड रहेगा और रक्त संचालन यानी कि आपकी पूरी बॉडी में रक्त जो है वो स्रावित बहुत सुगमता के साथ आसानी से होगा। लहसुन के नियमित उपयोग से पाचन क्रिया सही रहती है, साथ ही भूख न लगने की समस्या भी गायब हो जाती है दोस्तों। लहसुन को ठंड के मौसम में खाने से जल्दी ठंड नहीं लगती है और शरीर गर्म रहता है। जी हाँ, अगर लहसुन का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप पर सर्दियों का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है दोस्तों। लहसुन में मैग्नीज, विटामिन B6, विटामिन सी और सिलेनियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसके रेगुलर इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। लहसुन के सेवन से कोलेस्ट्रॉल को भी लिमिट में किया जा सकता है। जी हाँ, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है लहसुन के सेवन से। यह दिल की बीमारियों को दूर रखता है, बाल झड़ने से रोकता है। इसके अलावा लहसुन में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है दोस्तों जो कि हमारे शरीर को यानी कि हमारी स्किन को कई तरह के इन्फेक्शन से, फंगस से बचाता है दोस्तों। लहसुन में यूं कह सकते हैं आप कि एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होता है। अगर आपके बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो और चेस्ट में हल्का हल्का पेन रहता हो तो हर रोज सुबह खाली पेट 1 लहसुन की फली खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित हो जाएगा यानी कि आपके संतुलन लेवल पे आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको कड़वा लगता है लहसुन खाने में तो आप इसके साथ शहद मिक्स कर सकते हैं दोस्तों, आपके जायके या मुंह के स्वाद के लिए। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक था, आज की हमारी औषधि थी दोस्तों लहसुन। अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर, एक और नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।